अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और मेरे साथ हैं आपी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फातिमा नासिर। और आप सब कैसे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं आप सबके? आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 4:15 से। 4:15 में आज हम लेट हो गए। हाँ, ये हमारा पिंकू है, इसे से बिठाया हुआ है। और ये देखिए, फ्रिज की थोड़ी सफाई हो रही थी और लेमन रखे हुए थे सारे, थोड़े थोड़े खराब भी हो रहे थे, सेट में रख दिए सारे। तो ये मेरे बेटे, ये 4:15 का टाइम हो रहा था और यहाँ पे यही मैं टाइम देखने के लिए आई थी। और ये यहाँ पे जो है ना, आलिया ने जो बहुत गंदे तरीके से नीमी को निचोड़ रहा है, उसका अलग ही प्याला है। और ये मेरा छोटा बेटा अर्शियान, इसको मतलब आप यहाँ रेडी करी थी कर दे। तो अब डेली व्लॉग में समझ ही नहीं आता कि ना क्या शूट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ना, कितना रो रहा है, इसको रेडी करना इतना बहुत ज़्यादा रोता है। मैं मतलब चिखते रहती हूँ उसके पीछे के रेडी करने तो मुझे करने तो करने ही नहीं देता है। इतना रोता है ना, बस क्या बताऊँ। छोड़ दो। हमें ये बताए थे नेक्स्ट व्लॉग हम बनाएंगे गुलारची की ना, अभी हमें जाना है आपी के ससुर के 40वें में, तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। मैं आप तो लोगों को दिखाऊंगी व्यू, वहाँ का व्यू दिखाएंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये आलियान मस्ती कर रहा था, गैस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। और ये इसने शावर लेने के लिए कपड़े निकाल के रखे थे, शावर लेना है मुझे। और ये यहाँ पे अर्शियान है, इसने पोटी कर दी थी, दोबारा से पैंपर चेंज करवा रहे थे। इसने पोटी कर दी, इतना गुस्सा है मुझे। और ये अब हम किचन में गए तो आपने कहा आज मिक्स बिरयानी बना देते चिकन की। हाँ, समझ ही नहीं आता कि क्या बना है, उसमें समझ में नहीं आता ना बंदा क्या बनाए, तो हमने बोला चलो मिक्स बिरयानी। ये देखिए, ये छोटे छोटे से प्याज है ना, हमारी अम्मी को बड़े पसंद है। अम्मी कहती है छोटे प्याज में जायका होता है। हाँ, उनको बड़े प्याज कहती है क्या, तुम बड़े प्याज खा दो, उनको पसंद नहीं है। और हमें बड़े प्याज से ही लगते है, झटपट जाते हैं ना, एक लिया फटाफट हो गया, छोटे छिलते छिलते इतना टाइम ले लेता है। और क्या, और ये है बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करने के लिए हमने रख दिया, और ये टमाटर भी डाल दिया। अभी हमें दिखाऊंगी खुला बिरयानी मसाला, अम्मी लेकर आई थी। हाँ, तो मैं वो चेक करी थी, मतलब अच्छा है। ये भी पैकेट इस्तेमाल करते हैं, शान वालों का। मुझे तो शान वालों के अलावा मुझे नहीं पसंद मसाला, शान वालों के अलावा मैं पसंद नहीं है जल्दी। अभी पंजाबी वाली आई हुई ना, पंजाबी पुलाव, हाँ अब वो ट्राई नहीं किया, ट्राई करेंगे फिर आपको रिकैप देंगे। अभी इसमें चिकन ऐड कर दिया हमने, ये मिक्स बिरयानी है और मिक्स बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में मिक्स बिरयानी ज्यादा बनती है जैसे घर में खाने के लिए, लेकिन जब कोई आए तो फिर हम वो तय वाली बनाते हैं। घर के लिए हम लोग मिक्स बनाते हैं, मिक्स बहुत अच्छी, चाहे वो बीफ की बनानी हो, चिकन की बनानी हो, आलू बनानी हो, मटर वाली बनानी हो, मिक्स बनाते हैं। और मिक्स मुझे ज़्यादा आसान भी लगती है और ज़्यादा मज़े की भी लगती है, वैसे तय भी अच्छी लगती है। और अभी हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। हाँ, तो मैंने ये क्योंकि अफ्तारे हैं, बस पकोड़े बना लेते, कुछ ज़्यादा बना के ज़्यादा देंगे, बिरयानी बिरयानी खाएंगे इस चक्कर में। और ये फ्राइज मेरे बेटे के लिए, मेरी दूसरी बहन है वो जो कटिंग कर रही थी, इसे मना कर रहे थे, फिर भी ये सुनती नहीं है, बस इसने बोला नहीं मैं बनाऊंगी। भाई पालक बना रहे बहुत सारे, तो मैंने कहा पालक के पकौड़े बना लेते, वरना वेस्ट हो जाते हैं ना। ये देखिए किचन का हाल, किचन में काम हो तो यही हाल होता है, बुरा हाल हो जाता है, साथ काम हो तो ऐसा ही। हाँ, ये पालक कट करके रखे थे, ये चावल भी भिगोए हुए हमने, और ये है, अब क्या करें, ये रूम में तुम गई थी कि बच्चे क्या कर रहे। हाँ, बच्चे क्या कर रहे, बच्चे मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे कह रही है मैं नीचे ही, मुझे सब कुछ ला दो, मैं यहीं पे ही मिक्सर बना लूंगी ना, पैरों में बहुत दर्द होता, बहुत दर्द हो रहा था, उसे खड़ा नहीं हो जा रहा, बस मैं बैठ के नीचे काम कर रही। अम्मी यहाँ पे फ्रूट कटिंग कर रही थी और अर्शियान रेडी हो गए खाने के लिए। तो फिर मैंने उसको कपड़ा एक रुमाल मेरे भाई ने बांध दिया ताकि कपड़ा, आज का व्लॉग हमने छोटा ही बनाया है, मैंने कहा नहीं फिर मजा नहीं आता। और मेरे बेटे का देखिए शाम की तरह रहेंगे। अल्लाह हाफिज।